सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का अपमान कर दिया है मुख्यमंत्री ने अपमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए ना नीतीश जी, योगी जी से कि आपके माँ ने क्यों इतने बच्चे पैदा किए। अरे छोड़िए ना, आप नरेंद्र मोदी जी से ही पूछ लीजिए ना, उनके भी 7 भाई बहन है। भैया इलाज करा लो, इलाज करा लो, इलाज करा दो मुख्यमंत्री जी का, इससे पहले कि और कुछ वो बोल दे। नरेंद्र मोदी जी ने खास हिदायत दी थी अपने गठबंधन के लोगों को कि भाई आप नीतीश कुमार को किसी सभा में लेके मत जाइएगा, वरना कहीं फिर से वो कुछ उल्टा पुल्टा ना बोलना शुरू कर दे। कि मुख्यमंत्री जी का एक बेटा है, दूसरा बेटा उन्होंने इससे पैदा नहीं किया कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। क्योंकि जिस तरह के आरोप वो दूसरों पे लगा रहे हैं, वो जो विधानसभा के उनकी आप याद कर लीजिए, मैं नहीं बोल सकती हूँ, आप ही नहीं समझ रहे, उन बातों को आप दोहरा सकती है जो नीतीश कुमार जी ने कहा था। निवेदिता सिंह आपको याद होगा कितना वो बिलक रही थी, क्या बिलक बिलक करो, हम तो कहेंगे भोजपुरी में भोका फाड़ फाड़ के रो रही थी, भोका फाड़ फाड़ के। बिल्कुल। सारिका पासवान सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए कि आप लोग चुप क्यों, चुप क्यों है, क्या आपकी व्यवस्था है, क्यों चुप है आप, क्या एनडीए को ले डूबेंगे। देखिए वो 4000 वोट है ना सीट जिताएंगे, तो आप समझ रहे हैं कल्पना की दुनिया में वो एनडीए को ले जाने वाले हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में थे और पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर गजब हमला बोला है। आपने देखा कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर भी जमकर कटाक्ष कसी है और बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुद ही फंस गए हैं, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी दे मारी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे लालू प्रसाद यादव की शेरनी कही जाने वाली सारिका पासवान जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार समरीन आपका। सारिका जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो भाषण मुख्यमंत्री जी का आपने भी सुना होगा, सारिका जी पहली प्रतिक्रिया उस भाषण को सुनने के बाद मन में क्या है? सबसे पहले तो समरीन मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि बहुत अभी इधर लगातार कई सभाएं हो रही थी, जिससे कि नरेंद्र मोदी जी ने खास हिदायत दी थी अपने गठबंधन के लोगों को कि भाई आप नीतीश कुमार को किसी सभा में लेके मत जाइएगा, वरना कहीं फिर से वो कुछ उल्टा पुल्टा ना बोलना शुरू कर दे। और पहली दफा ये इधर कई दिनों के बाद वो पहली सभा में वो गए भी थे वहां पे, और उन्होंने शुरुआत भी वही की पुराने अपने बिल्कुल अंदाज में, चिरपरिचित अंदाज में। इसके पहले जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक जो उन्होंने टिप्पणी की थी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक है जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी जब तक चांदी के चिल्लम में गांजा नहीं पी, भागीरथी देवी की बात कर रही हैं जी, बिल्कुल भागीरथी देवी जी ने कहा था। और वो उन्होंने उस समय के स्पीकर जो विजय कुमार चौधरी थे उनसे उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी कि ये तो जब तक चांदी के चिल्लम में गांजा नहीं फूक लेते हैं तब तक ये कोई भाषण नहीं देते हैं। मनोज तिवारी जी ने कहा था, बहुत अभद्र उनकी टिप्पणी पे उन्होंने कहा था कि ये रात में तो अश्लील मूवी और गंदा सिनेमा देख के सोते हैं। चिराग पासवान जी ने कहा केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि ये इनकी मानसिक रोगी है ये और इनको इलाज और उपचार की जरूरत है। अविलंब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और इनको इलाज केंद्र सरकार अपने खर्चे से कराए। सम्राट चौधरी जी ने भी यही बात कहा था, सुशील मोदी तक ने कहा था ये चीजें। मतलब आज वो लोग जो एनडीए गठबंधन में लोग हैं उन्होंने ही ये सारे जो डिक्लेरेशन नीतीश कुमार जी के लिए दी थी। और देखिए सदन में उस समय कई महिला विधायक जो थी भारतीय जनता पार्टी की जो रो रही थी, निवेदिता सिंह आपको याद होगा कितना वो बिलक रही थी, क्या बिलक बिलक करो, हम तो कहेंगे भोजपुरी में भोका फाड़ फाड़ के रो रही थी, भोका फाड़ फाड़ के। बिल्कुल। और आज उन्हीं के साथ है गठबंधन में और आज मंच पे जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, तो हम तो ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का एक बेटा है, दूसरा बेटा उन्होंने इसलिए पैदा नहीं किया कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। क्योंकि जिस तरह के आरोप वो दूसरों पे लगा रहे हैं, उनको पता था बेटियों के प्रति उनके सम्मान के भाव देख लिए, आपने कहते थे लड़की लोग कहीं कुछ पहनती थी अरे दुनिया ही समाप्त हो जाने वाला है, अरे ऐसे ऐसे बयान वो ने दिया है। और इनके ही सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके पिताजी के कितने बच्चे थे शकुनी चौधरी जी के, योगी जी के कितने बच्चे थे, पूछिए ना नीतीश जी योगी जी से कि आपके माँ ने क्यों इतने बच्चे पैदा किए। अरे छोड़िए ना, आप नरेंद्र मोदी जी से ही पूछ लीजिए ना, उनके भी 7 भाई बहन हैं, नरेंद्र मोदी जी के ही माँ, उनके कहाँ बच्चे हैं। अरे भाई मोदी जी के ने, मोदी जी खुद, मोदी जी की माता जी की मैं बात बता रही हूँ,
योगी आदित्यनाथ भी सात भाई बहन, मोदी जी भी सात भाई बहन, सम्राट चौधरी, आप चिराग पासवान, जितने उनके साथ लोग हैं वो सबके तो वही स्थिति है भाई, सबके तो पांच छह सात आठ बच्चे हैं। तो आप सबों की माताओं से पूछिए कि आप लोग क्यों बच्चे पैदा कर रही है। देखिए बताइए, ठीक है उनसे पूछिए, लेकिन हम तो सारिका पासवान से पूछेंगे ना। सारिका जी ये बताइए, पहली प्रतिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन उस बयान को सुनने के बाद सारिका पासवान के मन में क्या ख्याल आया? ये सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का अपमान कर दिया है मुख्यमंत्री ने, अपमान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल वो आप इस तरह की किसी के भी महिला, क्योंकि महिला जो होती है ना वही जननी होती है, और आप अगर किसी पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर तो सीधे सीधे उस महिला का अपमान है ना। और वो जो विधानसभा के उनकी आप याद कर लीजिए, मैं नहीं बोल सकती हूँ, अभी नहीं समरण उन बातों को आप दोहरा सकती है जो नीतीश कुमार जी ने कहा था, लेकिन उनके सहभागी जो आज है, जो कल तक कहते थे कि उन्हें इलाज की आवश्यकता है, तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उन तमाम लोगों से, भैया इलाज करा लो, इलाज करा दो मुख्यमंत्री जी का, इससे पहले कि और कुछ वो बोल दे, इससे और कुछ अनहोनी हो जाए, इससे पहले कृपया करके हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप केंद्र सरकार से छोड़ दीजिए, राज्य सरकार अपने खर्चे पे ही उनका इलाज करवा। बाप रे बाप, आप यहाँ पर देखिए कि सारिका पासवान जी लाइव सिटीज के कैमरे पर हाथ जोड़ रही हैं, और हाथ क्यों जोड़ रही हैं वो भी आपने सुना है। लेकिन सारिका जी, हम आपसे ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि लगातार ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया है, आखिर वजह क्या है, क्यों बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे बवाल खड़ा हो जाता है? देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बात जो उनकी ऐसी भाषा से साबित होता है कि वो महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, लगातार कहा जाता है कि महिलाओं की पसंद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और आप तो कुछ और ही कह। नहीं नहीं देखिए, महिलाओं की पसंद होता तो इसी शासन काल में आपने देखा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हुआ था, किस तरीके से उस शेल्टर होम में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार और वो कुकृत्य जो है, और आप लगातार जिस तरीके से बच्चियों पे बलात्कार हत्याएं हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी गठबंधन के साथ है जिन्होंने की नाग मणिपुर में देखा आपने महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, नंगा घुमाया गया उनको, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, हाथरस का कांड हुआ, यूपी में आप देखिए दो बेटियां जो उस पेड़ से लटक के अपनी जान दे दी और बाद में उनके पिता ने भी उसी पेड़ से लटक के जान दिया क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला, और ये आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है। और बिहार में जो स्थिति आप लगातार देखिए जिस तरीके से बच्चियों के साथ हो रहा है, तो कहीं से भी नहीं दिखता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति वो भाव रखते हैं। अरे वो वोट बैंक के तौर पर उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, और ये अभद्र टिप्पणी जो है ना, जब आप राजनीतिक मंचों पर, एक सार्वजनिक मंचों पर आप जब कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी आपको एक बच्चा भी सुन रहा है, एक जवान भी सुन रहा है, एक बूढ़ा भी सुन रहा है, एक महिला भी सुन रही है, एक बच्ची भी सुन रही है, तो आप आखिर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या लगता है क्यों बार बार कुछ इस तरह का बयान दे जाते हैं? देखिए उनके तो सहभागियों ने पहले ही बोल दिया, मैंने आपके तमाम लोगों की कथनी आपको बताया कि सब लोगों ने कहा था, तो मुझे तो अब लगता है कि सीरियसली उस विषय पे अमल करने की आवश्यकता है, अमल करना चाहिए, बिल्कुल अमल करना चाहिए। और आज वो लोग जो है, और कल तक जो रो रहे थे, जो टिप्पा टिप्पणी कर रहे थे, मैं तो उन लोगों के बारे में बोलना चाहूंगी कि आज क्या बात है, क्या कारण है जो आप ऐसे मंचों पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी के भर्सन से महिलाओं की अपमान आप करवा रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप चुप है, इलाज करवाइए ना भाई, आज तो आपके साथ है, कल तक तो आप कह रहे थे कि दवाएं खा रहे हैं, नशीली दवाएं दी जा रही है, इनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, मानसिक रोगी है, ना जाने क्या क्या कह रहे थे आप, तो आज वो चीजें तो बदल नहीं गई है ना, आज तो उससे बदतर स्थिति मुझे दिख रही है। सारिका पासवान सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए कि आप लोग चुप क्यों है, क्या आपकी व्यवस्था है, क्यों चुप है आप, आज क्यों नहीं आप लोग बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे रहे हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार के खर्चे से इनका इलाज करवा दे रहे हैं, बिहार में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल है भाई, अरे करवाइए ना, कुछ भी करवाइए, लेकिन कम से कम प्लीज महिलाओं की बेइज्जती मत करवाइए, प्लीज महिलाओं की बेइज्जती मत करवाइए। लेकिन सारिका जी चलिए उस पर भी हम आएंगे, आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको मालूम है ना कि आज बीजेपी ने आरोप पत्र जारी कर दिया है, घोषणा पत्र के विरोध में बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है, उस आरोप पत्र को पढ़ा है सारिका पासवान ने? देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये जुमलेबाजी की पार्टी है, और ये लोग के पास मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा होता तो शायद आज वो अपनी उपलब्धियों, आप लोगों का सच दिखा रही है, राजद का सच दिखा रही है, इसलिए मैं उनका सच दिखा रही हूँ, हम ढिंढोला नहीं पीटते इनकी तरह अपने झूठ का, लेकिन इनके सच अगर हम दिखाना शुरू कर दे, सृजन घोटाला बिहार में हुए थे, 33
हजार करोड़ का घोटाला था सृजन घोटाला, उसके सामने तो चारा घोटाला कहीं टिकता ही नहीं है। उसके अलावा देखिए SC ST छात्रवृत्ति घोटाला था, जमीन घोटाला था, और अगर मैं केंद्र सरकार के घोटालों की बात करूं तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉल घोटाला जो माया महा घोटाला घोटाले के रूप में आज सबके सामने आया है। ऐसी 20 कंपनियां जिसको कि खुले हुए महज 3 साल हुए थे, और नियम और कानून के तहत समरीन जी जिस कंपनियों को 3 साल से कम समय हुआ है वो किसी भी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती है, लेकिन 20 ऐसी कंपनियां जो महज 3 साल उनको पूरा भी नहीं हुआ था और जो खुद घोटाले में जा रही थी, आश्चर्य की बात है, जिनको कि खुद उनका कंपनी घोटाले में, और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो पार्टी जो चंदा घोटाला और भ्रष्टाचार जिनका कि सब ज्यादा इनके पास है, आज ये बताइए क्या बात कर रहे हैं, आरोप आरोप क्या लगाएंगे भाई, पहले आप इन आरोपों का जवाब दीजिए ना। कि सारिका पासवान ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली, बिल्कुल लिस्ट है भाई, सार्वजनिक है, सब हमारे पास भी सारे लिस्ट है इनकी, लंबी फेरिस्त है भाई। आपने तो राम को भी नहीं छोड़ा, राम मंदिर की जमीन को भी आपने घोटाले के तहत आपने खरीदा और बेचा, तो आपने ना भगवान को छोड़ा, ना आम इंसान को छोड़ा, ना महिलाओं को छोड़ा, ना युवाओं को छोड़ा, आपने छोड़ा किसको भाई? और आज आपके पास मुद्दा नहीं है तो आज आप पुनः जाकर के जो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल मैं तो मानती हूँ कि आप बड़े अच्छे जागरूक हैं, लेकिन वो जागरूकता आप अपने भी कुकर्मों को प्रदर्शित कीजिए ना जो आपने किया। आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने आगे क्या कुछ कहा है, देखिए साफ साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव मुखिया तक अब बन नहीं सकते, और बस यही नहीं रुके हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने आगे तो ये भी कहा है कि चार अभी तो ट्रेलर है, यानी कि चार में से चार अभी हम जीत रहे हैं, जो पहले चरण का मतदान हुआ है अब तो 40 में से 40 भी जीतेंगे, डर लग रहा है सारे। सम्राट चौधरी जी के लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि अधजल गगरी छलकत जाए, और ये जो कह रहे हैं डिप्टी सीएम है बिहार के, नहीं तो डिप्टी सीएम है, और वो पूर्व सीएम के बारे में बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, केंद्र में मंत्री रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम के बारे में बोल रहे हैं और सीएम के बारे में, भाई हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी वो तो पूर्व सीएम रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, जब रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे कितने बड़े मतलब प्रॉफिट से गुजर रहा था, आपको सबको पता है कि कितना अपार प्रॉफिट उन्होंने दिया था। और ये जो सम्राट चौधरी जी है ना, ये लालू प्रसाद यादव जी के ही स्कूल से पढ़ के आए हैं, और इनको पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य जो है ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के ही वजह से मिला था। और आज ये जो अनर्गल बयानबाजी करे, कई इन्होंने लंदफंद तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, लगातार वो कर भी रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बेटियों पे भी प्रहार किया, रोहिणी जी के किडनी वाले प्रकरण में भी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी भी अपना आपा, अपना मानसिक संतुलन और एक वो मर्यादा जो है ना उन्होंने खो दिया है, बिल्कुल सम्राट चौधरी ने मर्यादा खो दी है। और इनके पिताजी ने कहा था, जिनके साथ ये गठबंधन में है ना, शकुनी चौधरी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा था कि इनको तो इसी जमीन में गाड़ देंगे हम जब आएंगे, और ये इन्होंने अपनी जो पगड़ी माथे पे बांधा है, अपने माता जी के दस्कर्म के दिन उन्होंने बांधा था, दस्कर्म जो आप समझ रहे हैं किसी माता की मृत्यु के पश्चात वो पल होता है जब आप अगर पगड़ी बांध के प्रण कर रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार कर ही मानूंगा, और आप पुनः जाके नीतीश कुमार जी के गोद में बैठ जा रहे हैं, तो आप सोचिए उनकी नेकी और नियत और उनका धर्म कहाँ है। तो सम्राट चौधरी जी को किसी कर्म लायक आदमी नहीं समझती हूँ, ना भाषाई मर्यादा इनके पास है, ना किसी महिलाओं के प्रति इनके अंदर सम्मान है, ना बेटियों का सम्मान करना जानते हैं। ठीक है ठीक है, किसी का सम्मान करना नहीं जानते, लेकिन एक बात जो मैं आपसे पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि सवाल का सारिका पासवान बिल्कुल सच्चाई के साथ जवाब दे। सारिका जी थोड़ी सी तो तकलीफ होती होगी ना आपको भी, पहले लालू प्रसाद यादव खुद राजनीति में आते हैं, फिर उनकी पत्नी राबड़ी जी राजनीति में आती है, फिर बेटों को लॉन्च करते हैं, फिर बेटियों को भी लॉन्च करते हैं, टीस तो होती होगी कि आखिर हमारी बारी कब आएगी, कब हम कार्यकर्ताओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे लालू जी, और कब हमें मौका देंगे, कब लॉन्च करेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने समरीन जी, क्योंकि हमारे विपक्षी जो है ना बार बार उनके तो आंख की किरकिरी बन जाते हैं, तेजस्वी यादव जी हों या उनकी अगर अभी बहने हैं या फिर हमारे सवाल मैं मानती हूँ बहुत लोगों को ये किरकिरी पहुंचता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी पार्टी, और अगर आप पुराना इतिहास देखे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने जमीन से उठा करके लोगों को सदन तक भेजा है, और अनगिनत ऐसे नाम है जहां उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। यही वो आदमी है जिन्होंने भगवतिया देवी जो एक पत्थर तोड़ने वाली महिला जो थी
उसको सदन में भेजा था इन्होंने। आपने मुन्नी रजक जो कपड़ा धोती है, मैं तो महिलाओं के बारे में बोल रही हूँ, इसके अनगिनत पुरुषों में भी ऐसे अनगिनत नाम है और वो हर जाति हर समीकरण से उन्होंने लोगों को पहुंचाया है, आगे बढ़ाया है। और इतना ही नहीं, जब उनको मौका मिला सामाजिक न्याय की लड़ाई और पुरोधा उनको इसलिए नहीं कहा जाता है, आप सब एरियाज में जाके देखिए, वो आज भी तबका जो है ना नाम लेता है कि हम लोगों को किसने शक्ति दी, अपने अधिकारों के लिए किसने जगाया हमें। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, मुझे लगता है उसको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। और आपका परिणाम आपको मिल जाएगा अगर आप जाकर के दूर सुदूर में भी आप जाके किसी से प्रश्न करें। हमारे अभी सारे का पासवान को ऐसा लगता है टीस थोड़ी सी तकलीफ होती है कि आखिर हमें कब लॉन्च करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल टीस नहीं होती। और वो कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है वो और निखरता है, तो मुझे लगता है कि वो हर दिन मैं एक नया अनुभव, एक जो कहते हैं नई ताकत महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारे लिए मैं तो अपने आप को बहुत फक्र महसूस करती हूँ कि मैं उस पार्टी और उस संगठन से जुड़ी हुई हूँ जहाँ महिलाओं के पर परिवारवाद का आरोप नहीं, जहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ा, छह लोकसभा में छह महिलाओं को टिकट दी गई है। समरीन जी, आप भी महिला है, आप इस बात से आप इत्तेफाक रखती होंगी कि एक इकलौती हमारी हमारा ही दल है जहाँ मुसलमानों में कटौती कर दी गई, पांच में से इस पर भी बात कर ली। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये समय समय से समय के हिसाब से लोगों को जगह देती जा रही है और दिया भी जा रहा और आगे भी देता दिया जाएगा। लगता है कि नाराज हो जाएंगे मुसलमान, आपने इसका जिक्र छेड़ दिया है, तो एक सवाल ये भी बनता है। बिल्कुल नहीं, देखिए पहले हमारी पार्टी को जिन लोगों ने भी कहा कि एम और वाई की पार्टी है, आज के समय में माई और बाप की पार्टी है। अच्छा, जिसमें कि आप जान रहे हैं तमाम समीकरण उसमें समाहित है और सभी को हमें जगह देना है। हमारे नेता जो है उस चीज को ध्यान में रखकर के सभी लोगों को, आपने देखिए कि आप एमएलसी वाला जब समय थी बारी थी उस समय भी उन्होंने ध्यान रखा, उस समय भी एक मुसलमान एक पिछड़े समाज से महिलाओं को भी उसमें ध्यान रखा गया। तो ये नहीं, ये समीकरण को ध्यान में जाती है, समीकरण हो या फिर जेंडर, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के हमारे नेता काम करते हैं। और मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं अपने आप को फक्र महसूस करती हूँ उस संगठन महसूस करती है कि राजद के साथ है। एक आखिरी सवाल सारिका जी, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार इस तरह के बयान दे रहे, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसा करेंगे तो क्या एनडीए को ले डूबे? देखिए वो 4000 वोट है ना सीट जिताएंगे, तो आप समझ रहे हैं कल्पना की दुनिया में वो एनडीए को ले जाने वाले हैं, और 4000 ना सीटें हैं ना 4000 वो जितवाने वाले हैं। मुझे लगता है कि बिहार में 40 सीटों में अगर एनडीए गठबंधन कुछ सम्मानजनक, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सीटों तो 35 प्लस आने वाली है, खाता खुल जाएगा राजद का। खाता तो छोड़ दीजिए, देखिए हम तो कह रहे हैं 35 प्लस हमारी सीटें जीतने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार लोगों ने मुद्दों पे रोजगार पे दिया है उन्होंने। और पिछले 17 महीने का जो शासन काल हमारा रहा महागठबंधन का, लोगों का विश्वास, वो हमारे नेता यूथ आइकन, नई सोच, युवा सोच के साथ लोगों का समर्थन और विश्वास गया। मतलब कह रही है आपके 17 महीना भारी पड़ जाएगा, 17 महीना निश्चित रूप से 17 साल के शासन काल पे भारी पड़ा, और यही कारण ये लोग डर गए हैं। अब अनाप शनाप फूल जुलूल बक रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी भी हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक और बड़े सम्मान के साथ इन लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कह रहे हैं कि स्थितियां जो भी हैं उनके साथ जो लोग हैं कम से कम उनका ख्याल रखें, वो बिल्कुल गार्जियन है, अभिभावक है, और आपके साथ वो 17 सालों से रहे हैं, तो आपका भी धर्म बनता है, दायित्व बनता है आपका कि आप उनका ख्याल रखें। तो इन्हीं विनती के साथ मैं चाहूंगी समरीन जी मेरी बात पहुंचा दें आप, और तमाम लोगों को कहें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आप लोग ध्यान दें। बड़ी बात कह दी है सारिका पासवान ने, बजाबते लाइव सिटीज के कैमरा के सामने हाथ जोड़ लिया है, और हाथ क्यों जोड़ा है ये भी आपने देखा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।